हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज के बारे में। और यहाँ पे आप सभी का स्टैंड अलोन मोड में जिनका भी एडमिशन हुआ है उनके लिए जो वेरिफिकेशन शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है, जो भी आपका फिजिकल वेरीफिकेशन है। आइए प्रॉपर डिटेल हम लोग जानते हैं कब जाना होगा, क्या लेके जाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। प्रॉपर डिटेल होगा सारे कोर्सेज वालों के लिए, तो वीडियो को एंड तक आप बने रहो। ये कल का नोटिफिकेशन है, 26 सितंबर को आप देख सकते हो। इन्होंने ये बोला है वेरिफिकेशन शेड्यूल ऑफ यूजी एडमिशन कॉलेज पोर्टल स्टैंड अलोन मोड इन एकेडमिक सेशन 2024-25 का ये नोटिफिकेशन है। अब इन्होंने ये बोला है कि द कैंडिडेट विद स्टेटस एडमिटेड इन द इन दिस कॉलेज फ्रॉम द कॉलेज पोर्टल इन स्टैंड अलोन राउंड नीड टू बी प्रेजेंट फिजिकली हिमसेल्फ हर सेल्फ अलॉन्ग विथ, ठीक है। तो मतलब जो भी कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है कॉलेज पोर्टल यानी स्टैंड अलोन मोड में, और उनको फिजिकली जाना होगा, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। आप देख सकते हो, कुछ ये ध्यान रखिए जो भी डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड और ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अटैच विथ डॉक्यूमेंट अरेंज एंड स्टेपल इन ऑर्डर, जैसे ये मतलब 1-2 दिया गया ऐसे ही आपको अरेंज करके लेके जाना है। ओरिजिनल तो ले जाना ही ले जाना है, उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और मतलब उसमें क्या करना है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका आप प्रिंट आउट करके उस पर नीचे जहाँ पे भी स्पेस हो सेल्फ अटेस्टेड लिख के आप अपना नाम लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा सेल्फ अटेस्टेड। अब यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं बोला गया कितना लेके जाना है, तो एक एक कॉपी आप रख लो काफ़ी होगा, ठीक है। और इस जितना भी सीरियल वाई है इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेपल कर लेना, ठीक है। और ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को एडमिशन फ़ी पेमेंट स्लिप आपको लेके जाना होगा जो भी आपने पेमेंट किया है। दूसरा आपका जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, या तो 10th का एडमिट कार्ड लेके चले जाओ या सर्टिफिकेट लेके चले जाओ, हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद क्लास 12th का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड सबका लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट, उसके बाद आपको जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया लाइक SC ST OBC ABCB वो वाले जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए उनको लेके जाना है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। PWD से अप्लाई किया तो आपको सेल्फ अटेस्टेड और फोटोकॉपी लेके ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड दोनों लेके जाना है, ठीक है। इफ़ एप्लीकेबल जहाँ पे भी लिखा गया जो कैंडिडेट अप्लाई किया उनके लिए, जो जनरल है उनके लिए नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड भी लेके जाना है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। EWS सर्टिफिकेट, जो लोग EWS से अप्लाई किए होंगे उनको लेके जाना है। उसके बाद आपको जो भी कैंडिडेट हैं, अगर कोई ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से मतलब बिलोंग करते हैं मतलब स्पोर्ट लेवल के, तो उनको भी लेके जाना है। अगर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जो भी आपने खेला होगा उनका एक सर्टिफिकेट रहता है, वो भी लेके जाना है। यानी आपने स्पोर्ट्स से अप्लाई किया हो तो उनको भी लेके जाना। अब आइए हम लोग नीचे आ जाते हैं। इसके बाद इन्होंने पॉइंट में ये बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने 10 डॉक्यूमेंट बताया ओरिजिनल भी लेके जाना होगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम जो भी मेंशन किया गया उसको वेरिफिकेशन होने के बाद आपको दे दिया जाएगा, पर ये सेल्फ अटेस्टेड के साथ ओरिजिनल लेके जाना है जैसे मैंने बताया। और ये भी ध्यान रखिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसको लेके जाइएगा जो ड्यूरिंग फिजिकल वेरीफिकेशन के टाइम, अगर मिसमैच होता है कोई भी डिटेल आपने कोई गलतियाँ किया होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी ध्यान रखिए इफ़ ऑलरेडी एडमिटेड, ठीक है, मतलब कहीं पे भी आपका एडमिशन हो गया और वेरीफाइड हो गया, स्टाम्प लग गया, इफ़ गिवन नीड टू बी कैंसिल्ड बिफोर वेरीफिकेशन, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यानी आपने कहीं दूसरे जगह एडमिशन ले लिया और आपका स्टाम्प लग गया, आप यहाँ पे भी आपने एडमिशन ले लिया है लेने जा रहे हो, तो अगर स्टाम्प लगा हुआ किसी कॉलेज का तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर जिनका दूसरे जगह एडमिशन है तो वहीं पर आप रह जाओ, वहाँ पर अगर आपका कोई भी कॉलेज का स्टाम्प लग गया तो वो लोग एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फेलियर टू सक्सेसफुल कम्प्लीट द वेरीफिकेशन प्रोसीड बाई स्टिपुलेटेड लास्ट डेट विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो इन्होंने ये बोला जो भी आपका लास्ट डेट दिया गया है उस डेट के अंदर में आपको जाकर करवा लेना, अगर आप नहीं जाओगे, अगर आप फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं करवाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा। आप देख सकते हो कब कब जाना है, ये देख लीजिए। जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं उनको 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच में जाना होगा, 12 बजे से 1 बजे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सेकेंड फ्लोर में आपको जाना होगा, ठीक है। 28 से लेकर 30 तक इन्होंने बोला है, टू तो ये नहीं बोला है, 28 और 30 मतलब यहाँ पे दिया गया, तो आप
यानी कल आपका सैटरडे है, यानी 28 और 30 को जाना है, यानी 29 को आपको नहीं जाना है, ठीक है। 29 संडे में भी आपको नहीं जाना है, यानी 28 सितंबर और 30 सितंबर आप जाइएगा। सारे कोर्सेज़ का सेम डेट है, आप देख लीजिए। केमिस्ट्री का भी सेम डेट है 28 और 30, मैथमेटिक्स वालों का भी है, कंप्यूटर साइंस वालों का, जूलॉजी ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, टाइमिंग सबका सेम है, 12 PM टू 1 PM, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी का 12 PM टू 2 PM है, बाकी बंगाली ऑनर्स का 12 PM टू 1 PM है। यहाँ पे आपका देख लीजिए रूम नंबर, यानी कौन कौन सा, जैसे केमिस्ट्री वाले हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जाना है, मैथमेटिक्स वाले हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जाना है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जाना है। यहाँ पर फ्लोर भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंग्लिश ऑनर्स वालों को 30 सितंबर को जाना होगा, फ्रॉम 1:30 PM पे आपको जाना होगा, रूम नंबर 509, 5th फ्लोर पे आपको जाना होगा। उसके बाद आ जाइए नीचे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो हिंदी ऑनर्स 28 और 30 सितंबर को जाइएगा, 12 बजे से 1 बजे, रूम नंबर 406, 4th फ्लोर में आपको जाना होगा। उसके बाद एजुकेशन ऑनर्स का 28 और 30 सितंबर को जाना है, 12 बजे से 1 बजे तक, रूम नंबर 409, 4th फ्लोर। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, 28 और 30 सितंबर को जाना होगा, 12 और 1 बजे दिन में, रूम नंबर 506, 5th फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स वालों को देख लीजिए, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3rd अक्टूबर और 4th अक्टूबर को जाना होगा, 7 AM टू 8:30 AM। चेक स्टूडेंट कोड वाइज लिस्ट टू बी गिवन शॉर्टली, ठीक है। तो स्टूडेंट वाइज जो भी कोड दिया गया तो वो आप चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे कौन से स्टूडेंट को कौन से डेट पे जाना होगा, ठीक है। ऑफिशियल साइट आप विजिट कर लो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो फ्लोर है, मतलब कहाँ पे जाना होगा, तो वो भी मेंशन रहेगा वहाँ पे, जो कौन से कैंडिडेट कौन से डिपार्टमेंट पे आपको जाना होगा। बीबीए वालों को देख लीजिए, 30 सितंबर को जाना होगा, 7 AM टू 8:30 AM, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पे। ज्योग्राफी ऑनर्स का आप देख सकते हो, आपको 28 सितंबर सॉरी और 30 सितंबर को जाना होगा, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपका होगा, रूम नंबर 403, 4th फ्लोर पे होगा। बीकॉम प्रोग्राम का देख लीजिए, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3rd अक्टूबर और 4th अक्टूबर, 7 AM टू 8:30 AM। आपका जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया गया, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम का देख लीजिए, 27, 28, 30 सितंबर को जाना होगा, 12 PM टू 1 PM, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, यानी बीए वालों को डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, 503 रूम नंबर, 5th फ्लोर, और जो बीएससी है प्रोग्राम वाले 507, 5th फ्लोर। तो ये आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। तो चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका है। तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।